द साइकोलॉजी ऑफ मनी मनीष पारेख की कहानी है, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है। उसके पिता एक छोटे व्यापारी थे और माँ एक गृहिणी। मनीष ने हमेशा सुना था कि पैसा कमाना कठिन है और इसे बचाना और भी कठिन। मनीष की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वह कॉलेज में था। एक दिन मनीष ने एक प्रोफेसर से सुना कि पैसा सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि यह आपके व्यवहार और निर्णयों का प्रतिबिंब है। उस दिन मनीष ने समझा कि पैसा केवल कमाई का साधन नहीं है, बल्कि इसे संभालने का तरीका भी महत्वपूर्ण है। कॉलेज खत्म करने के बाद मनीष ने एक अच्छी नौकरी पा ली। वह हर महीने अच्छा वेतन कमाता था, लेकिन महीने के अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता था। उसने देखा कि उसके दोस्त भी इसी समस्या से जूझ रहे थे। तब मनीष ने पैसे के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने का फैसला किया। मनीष ने पैसे की बचत और निवेश के महत्व को समझा। उसने अपनी आय का एक हिस्सा नियमित रूप से बचाना शुरू कर दिया और बाकी का सही तरीके से निवेश करना शुरू कर दिया। मनीष ने विभिन्न वित्तीय पुस्तकों और लेखों को पढ़कर पैसे के मनोविज्ञान को गहराई से समझा। वर्षों बाद मनीष की मेहनत और समझ ने उसे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना दिया। अब वह न केवल अपनी जरूरतें पूरी कर सकता था, बल्कि अपने सपनों को भी साकार कर सकता था। मनीष की कहानी हमें यह सिखाती है कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उसे समझदारी से संभालना और निवेश करना। मनीष की इस यात्रा ने उसे यह सिखाया कि पैसे का मनोविज्ञान केवल आय और व्यय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे सोचने, निर्णय लेने और भविष्य की योजनाओं को बनाने की क्षमता पर आधारित है। इसे आनंद लिया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद और शुभकामनाएं।